अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो जो है हमने जो है राशन वाला के नाम से जो ऐप बनाई है उसमें मज़ीद कुछ काम किया है, तो उसे हम देखते हैं हमने क्या काम किया इंशाल्लाह। और जो है अभी कुछ काफ़ी चीज़ें बाकी हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, तो हम देखते हैं क्या क्या काम किया है इंशाल्लाह उसको। और जो है मैं आपको बताते जाता हूँ किस तरह से किया है। जैसे अभी हम जो है एक लॉग आउट हो जाते हैं पहले, अब हम जो है सबसे पहले जो है प्रोडक्ट देते हैं, प्रोडक्ट डालते हैं। हमने दो प्रोडक्ट देखी, यहाँ से सेलेक्ट की। जब यहाँ पर हम आए तो चूंकि अभी लॉगिन नहीं है इसलिए पहले वो लॉगिन का बटन शो करेगा। अगर लॉगिन होते हम तो लॉगिन का बटन शो नहीं करता, बल्कि जो है डायरेक्टली चेकआउट करता। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो है एड्रेस नहीं होता तो एड्रेस का बटन शो करता। तो अभी मैं इंशाल्लाह जो है इसके बाद आपको अपना यूज़र का जो हमने प्रोफाइल बनाई है, इसका डैशबोर्ड बनाया है, वो भी दिखाता हूँ। तो बहरहाल यहाँ से लॉगिन करेंगे हम। अगर लॉगिन नहीं, अगर आपका यूज़र नहीं है तो हम यहाँ साइन अप से नया साइन अप भी कर सकते हैं। दोबारा हम लॉगिन करेंगे, हमने एक यूज़र बनाया हुआ है। और फिर यहाँ से पेमेंट का आपसे पूछेगा पेपल का, चूँकि अभी हमारे पास सिर्फ पेपल ही है तो हम पेपल के ऊपर जो है किसी को सेलेक्ट करेंगे। जब बाद में इंशाल्लाह अगर कुछ सेंड बॉक्स वगैरह किसी और का मिल जाता है, जैज़ वगैरह का या फिर जो है किसी पैसा का या किसी का, तो देखते हैं इंशाल्लाह वो भी लगाएंगे। फिर उसके यहाँ बटन बने हुए होंगे अलग अलग, उसके हिसाब से सेलेक्ट करेगा वो। तो मर्चेंट जब ख़रीदेगा इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर, तो उसके हिसाब से वो खुद ही कंपनी उसी को देगी। तो यहाँ पर हमने जो है चूँकि अभी करेंसी ये टेस्टिंग का जो है अकाउंट है, तो इसमें यूएस डॉलर में करेंसी दिखाता है, तो जो है उसी को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। ये चूँकि मैं जो है विंडोज़ से इसके जो है बना रहा हूँ वीडियो, तो जब पेमेंट कर रहे होते हैं तो उसकी वीडियो नहीं दिखाता। जब पेमेंट फिनिश हो गई, ओके हो गया, तो फिर ये जो है डैशबोर्ड पर आ जाता है और ये ऑर्डर नंबर हमारा क्रिएट हो गया। पेंडिंग ऑर्डर जो होगा करंट ऑर्डर यहाँ दिखाएगा, प्रीवियस ऑर्डर यहाँ दिखा रहा होगा। ऑर्डर की डिटेल क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे तो हमने जो आइटम सेलेक्ट किए थे वो दिखा रहा है। अभी टोटल वगैरह का अमाउंट लगाना बाकी, इंशाल्लाह छोटा मोटा काम है कर लेंगे। तो ये ऑर्डर है हमारा हो गया, ठीक है ना। अब इसके जो ऑर्डर रिसीव हो गया तो यहाँ एडमिन जो है उसके पास ऑर्डर आएगा, एडमिन का भी फॉर्म बनेगा इंशाल्लाह बाद में। एडमिन एडमिन पीछे से भी काम कर सकता है, तो देखेंगे। एडमिन जो है इसके साथ ऑर्डर आया, इसे सही नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो मैं इसकी जगह ऑर्डर नंबर लगा देता हूँ पीछे। मिनट ऑर्डर में जाके ऑर्डर नंबर लगा देते हैं इसमें, ऑर्डर मास्टर में यहाँ पर मैं ऑर्डर नंबर लगा देता हूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए। तो रिफ्रेश करते हैं तो ऑर्डर नंबर 10 आ गया। ऑर्डर नंबर 10 जो है उस पर क्लिक करेंगे और जो है जैसे ऑर्डर रेडी होगा, इसके तीन चार इसके स्टेटस हैं, प्रोसेस में है, आउट ऑफ डिलीवरी है या डिलीवर्ड हो गया है, तो हम इसको इन प्रोसेस कर देंगे। इन प्रोसेस करेंगे, ये रिफ्रेश करेगा यूजर, ये इन प्रोसेस लिखा हुआ आ जाएगा सामने। अगर जो है फिर थोड़ी देर बाद जब तैयार हो जाएगा डिलीवरी बॉय को दे देंगे, तो यहाँ पर डिलीवरी के लिए जो है स्टेटस चेंज करेंगे, तो यहाँ पर जो है डिलीवर आ जाएगा, आउट ऑफ डिलीवर। इसी तरह से डिलीवर हो जाएगा या क्लिक करेंगे, डिलीवर्ड पर क्लिक करेंगे डिलीवर हो जाएगा, डिलीवर्ड हो गया, ठीक है ना। इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी इसकी जो CSS वगैरह का काम नहीं किया, क्योंकि यह इसके लिए बाकायदा एक आदमी का काम नहीं है, पूरी टीम वर्क का काम होता ही है। और जो है इसलिए मैं जितना हो सकता है बैकएंड का ही काम ज़्यादा किया, फ्रंट एंड में ज़्यादा काम नहीं किया। अभी ऑर्डर की डिटेल देखनी है तो यहाँ से देख सकते हैं, प्रीवियस ऑर्डर जो दिए थे उनकी डिटेल्स भी आ रही है,
के स्टेटस भी आ रहे हैं। तो बहरहाल ये इस तरह से, और जो है अब यहाँ पर एड्रेस जो है क्लाइंट का, यूज़र अपना एड्रेस भी सेलेक्ट कर सकता है, न्यू एड्रेस डालना होता है एड्रेस, इसमें जो है मल्टीपल एड्रेस डाल सकते हैं। और अभी यहाँ एक बटन बनाना है, चेक बॉक्स बनाना है कि जो है जो यूज़र है जो डिफ़ॉल्ट एड्रेस कौन सा है इसका, तो जो डिलीवरी होगी तो डिफ़ॉल्ट एड्रेस पर ही होगी। और बहरहाल इसमें ये भी मेरा माइंडसेट है कि यहाँ पर जो है नया एड्रेस क्रिएट करते वक्त हम जो है यहाँ पर या फिर इस जगह पर बटन बनाएंगे जिस पर जो है लोकेशन जो होती है, इस तरह गूगल मैप होता है, इस तरह जेंगो जियो लोकेशन के थ्रू जो उस पॉइंट फील्ड पर क्लिक करेगा तो बंदा ऑटोमेटिकली ये फॉर्म जो है जिसका जो फील्ड फिल होना वो फिल हो जाए। लेकिन बहरहाल ये चूँकि इसमें काफ़ी एरर्स आते हैं और मैप्स वगैरह जो करेक्ट नहीं होते और डेटा, यूज़र का डेटा भी काफ़ी कंज्यूम होता है, इसलिए भी इसको फ़िलहाल नहीं लगाया, सिंपल रखा है। तो एड्रेस न्यू क्लिक करना है या आपको अपना एड्रेस चेंज करना है तो एड्रेस चेंज भी कर सकते हैं। ऐसे डिलीट करना हो तो डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा आई वांट टू डिलीट एड्रेस, ये सो ना कंफर्म करेंगे तो डिलीट कर देगा। इस तरह से एड्रेस है। प्रोफाइल अपनी अपडेट करनी हो अगर आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल चूँकि जो है हमारा प्राइमरी है, ईमेल के ज़रिए हम अकाउंट खोलते हैं, यूनिक और प्राइमरी फील्ड यही है, इसलिए इसको डिलीट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। इसी की बेस पर फ़ोन नंबर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं अपना। फ़ोन नंबर चेंज कर दिया आपने, अभी बाहर जाएंगे तो फ़ोन नंबर आपका नया आ रहा होगा। तो इस तरह से आपका डैशबोर्ड बनाया है अभी फ़िलहाल। चेंज पासवर्ड जो है इस पर काम, उस पर काम करना बाकी है, और एड्रेस जो है इस पर भी काम कर लिया पूरा, इंसर्ट अपडेट डिलीट सब चीज़ें हो रही हैं, प्रोफाइल भी अपडेट हो रही है। यहाँ पर फ्लायर वगैरह में जो है अभी फ्लायर बनाया हुआ है लेकिन इस पर जो है बूट स्टेप लगाना है, अभी तीन चार मैंने बनाए हैं फ्लायर्स, ये जिस पर लिखा है ना ऑफ़र, ये ऑफ़र वाले जो है वो है जो यहाँ शो होंगे सारे। तो तस्वीर दिखाता हूँ आपको, इस तरह से मैंने बनाया है। वायरल चूँकि ये तो जो है यूआई डिज़ाइनर का काम होता है, वो तो सही तरह से डिज़ाइन करके अपने हिसाब से बनाता है तो डेफिनेटली उसका, लेकिन वायरल इसको थोड़ा सेट करके यहाँ पर जो मूव हो रहा होगा ये काम करना बाकी इस पर अभी। और जो सर्चिंग का ये जो फील्ड है इस पर काम करना है, पेजिनेशन यानी फॉर एग्जाम्पल 500 प्रोडक्ट है तो ये 1 2 3 4 5 6 पेज नंबर अराउंड नेक्स्ट पेज भी फिर से ये काम करना बाकी है इंशाल्लाह। अभी मेन तीन चीज़ें हैं, तो ये सर्चिंग, पेजिनेशन और ये होम पेज के ऊपर, ये तो इतना बड़ा काम नहीं है लेकिन ये फिर इसको बटन भी क्लिक कर दिया तो ये थोड़ा सा देखना है, सपोर्ट बना दिया है इसका पेज जो है ना होम का, ये सब उस पर काम हो गया है, सब लगा हुआ है, बस उसमें कहीं एरर वगैरह देखते हैं, इसमें भी ये डिज़ाइनिंग का काम इतना मुश्किल नहीं है, ये हो जाएगा इंशाल्लाह। और बाकी जैसे यूज़र जो है ऑर्डर प्रोसेस करता है तो उसका कार्ड जो है वो ब्लैंक हो जाता है, ये है वायरल, इसमें ये काम किया है अभी। और बाकी छोटा सा ग्राफ का सोचा है, यहाँ पर ग्राफ वगैरह जो है चार्ट GIS के थ्रू या फिर जो है पांडास, तो चूँकि जो है एफएनएल डेटा जो है काफ़ी ज़्यादा है, 100 GB जो है मांगता है, और चूँकि इसको हम होस्ट करेंगे तो इसलिए हो जाए नहीं, बस यहाँ जो है चार्ट GIS के थ्रू छोटा सा चार्ट सोचेंगे कि ना कौन सा चार्ट लगाना है, तो आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा कौन सा चार्ट लगाना है, अगर आप बार चार्ट लगाएँ या पाई चार्ट, एक छोटा सा चार्ट लगा देंगे, प्रोडक्ट वाइज होगा या कैटेगरी वाइज होगा। हाँ, ये डाउनलोड PDF भी काम कर लिया है, तो PDF की फॉर्मेटिंग करनी है, यहाँ ऊपर जो है कस्टमर का नाम डालना है, ऑर्डर की जो है ऑर्डर नंबर वगैरह आ रहा होगा, नीचे ऑर्डर की डिटेल आ रही होगी, इसको फिल्टर करके बनाना है, ये सब हो चुका है इसका काम, तो बस इसका थोड़ा सा काम रह गया, तीन चार चीज़ें हैं और फिर फिनिशिंग करेंगे। ये बटन के पेज वगैरह जो आ रहे हैं इधर इसको नीचे फुटर के साइड पर आ जाएँ, और इस तरह से ये जो प्लस माइनस है कोने में आ रहा हो, और ये ऊपर भी ज़रा सेट कर देंगे इंशाल्लाह, तो ये चीज़ें रह गई इंशाल्लाह। तो बस दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह, और इसको ख़त्म करने के बाद फिर जो है
इसकी DRF बनाएंगे कि ताकि इसका DRF बनाया और जो है इसके जो है सिंपल JWT जो है जेसन वेब टोकन के थ्रू जो है हम इसका जो है DRF बनाएंगे इंशाल्लाह इजी सा, ताकि जो है इस डेटाबेस को इसके अंदर SQLite का डेटाबेस यूज़ किया गया, इसके अलावा Oracle का MySQL का डेटाबेस भी यूज़ कर सकते हैं और जो है उस डेटाबेस के थ्रू जो है बैकएंड तो ये चूँकि डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, अगर मोबाइल एप्लीकेशन किसी को बनानी है रिएक्ट नेटिव की बनानी है तो उसको जो है मैं टोकन्स वगैरह भी इंशाल्लाह बना दूंगा, तो जो है अगर आपको बनानी हो तो कमेंट्स में बताइएगा इंशाल्लाह, तो वो भी इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगी अपने ईमेल एड्रेस के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपने ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह मेरा भी माइंड सेट ये है कि उसको फिनिश करने के बाद एक और छोटा प्रोजेक्ट करके फिर जो है अपना रिएक्ट जेएस और रिएक्ट नेटिव की तरफ और एंगुलर की तरफ इंशाल्लाह आना है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।